सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सो गाइस मैं आज आपको इस वीडियो में एसएनजी की तरफ से आई बहुत ही खूबसूरत रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप भी किसी जॉब की तलाश में हैं। तो गाइज अगर आप भी बीटेक किए हुए हैं तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, क्योंकि एसेंशियल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब प्रोफाइल के तौर पर एक निकाला हुआ वैकेंसी, जिसमें आप लोग के लिए हर चीज़ उसमें बताया गया है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए गाइज मैं आज आपको पूरे डिटेल बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर है, कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो हर चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो गाइज अगर आप भी नए हैं तो अगर आप किसी भी जॉब की तलाश में हैं तो आप इस चैनल पर आकर आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको हर एक चीज़ आपको मिल सकती है इस वीडियो पे। तो आप यहाँ से आके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना जो भी अपडेट हो यहाँ से आप पा सकते हैं। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए आपको हर चीज़ बताते हैं कि कैसे क्या करना है। तो गाइज हम अभी फिलहाल आ चुके हैं, इनकी प्रोफाइल आपको देख सकता है। तो गाइज ये जो जॉब प्रोफाइल होने वाली है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल होने वाली है, जो कि ऑटो कैड 12 के लिए ये इनकी वैकेंसी है, जिसमें इन्होंने हर चीज़ आपको बताया और डिटेल्स बताया, रिक्वायरमेंट क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, लोकेशन क्या होने वाली है, एक्सपीरियंस क्या होगा, सैलरी क्या होगा, वर्क डिटेल, जॉब टाइप, ये सब चीज़ इन्होंने बताया हुआ है। अब कब तक आपकी डेडलाइन होने वाली है जॉब की ये भी बताया हुआ है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आप देख सकते हैं डिटेल्स में इन्होंने लिखा हुआ है कि एसेंचर इज हायरिंग फॉर द पोजिशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑटो कैड 12। तो गाइज सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑटो कैड 12 के लिए ये हायरिंग है इनकी, जिसमें आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैंडिडेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। पहला कि प्रिपेयर ड्राइंग एंड डॉक्यूमेंट्स, सपोर्ट इन चीफ कॉम्पोनेंट लेआउट, चीफ प्रोडक्शन डिजाइन, डॉक्यूमेंट अप्रूवल सपोर्ट, क्वेरी रिजोल्यूशन एंड अप्रूवल ऑफ चेंज रिक्वेस्ट सपोर्ट, चीफ प्रोडक्शन डेटा मैनेजमेंट सपोर्ट विद इन पीएमएस एंड स्टेटस रिपोर्टिंग एंड वैलिडेशन ऑफ प्रोडक्ट डेटा विद पीएमएस। और इनकी रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है गाइज आप देख सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशन में उनको बीई बीटेक चाहिए, जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नॉवल आर्किटेक्चर विद मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होना होनी चाहिए 60% होनी चाहिए बीई बीटेक। तो गाइज ये जो प्रोफाइल आई हुई है ये CSIT वालों के लिए नहीं है, ये नॉन CSIT वालों के लिए है, और इसमें जो डिजायर्ड एक्सपीरियंस है ऑटो कैड के नॉलेज आपको होना चाहिए, टूल्स एंड टेक्निक में MS ऑफिस एक्सेल ऑटो कैड इसकी भी एक्सपीरियंस आपको होनी चाहिए। इसके अलावा गाइज उन्होंने बताया हुआ है कि जो जॉब की लोकेशन होगी वो बेंगलोर होने वाली है, तो आपको बेंगलुरु में जॉब मिलेगी अगर आप भी अगर सिलेक्शन होता है इस कंपनी में तो। और एक्सपीरियंस आपको आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए भी है, और 0 से 2 ईयर 2 ईयर तक के जो भी कैंडिडेट हैं, मतलब पीछे आप देखें तो 2021 तक के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरी को अभी इन्होंने नहीं डिस्क्लोज नहीं किया, अभी नॉट डिस्क्लोज है, और वर्किंग डिटेल्स में गाइज आपको केवल 5 डेज इन अ वीक जाना है। तो गाइज ये भी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वीक में केवल 5 डेज ही जाना है आपको, सैटरडे और संडे 2 दिन आपको छुट्टी रहेंगे। इसके अलावा जो जॉब टाइप है और टाइमिंग क्या होने वाला जॉब टाइप, ये अनफील्ड वर्क है, तो ये भी आप लोग को थोड़ा सा फोकस करना है कि ये जो वर्क होगी अनफील्ड होने वाली है, जाहिर सी बात है नॉन CSIT ब्रांच के लिए है तो अनफील्ड तो होना ही होना है। इसके अलावा गाइज जो जॉब टाइमिंग है फुल टाइम होने वाली है। तो गाइज आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके ये हर चीज आप देख सकते हैं क्या क्या या इन्होंने आपके आपके लिए क्या क्या इन्होंने एड में निकाला हुआ है आप वहाँ देख सकते हैं। रिव्यू में भी आप जाकर पढ़ सकते हैं क्या रिव्यू हो है इसका। इसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मैंने बता ही दिया क्या होने वाली है इसके। तो गाइज ये सब चीज़ें हैं जो कि अभी फिलहाल एसेंचर निकाला हुआ है, तो आप लोग जाइए इसको फॉर्म को फिल करिए। अभी टाइमिंग है अभी 17 डेज लेफ्ट बचा हुआ है, तो अप्लीकेशन डेडलाइन इसकी 17 डेज लेफ्ट है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म आएगा ओपन होकर, तो आप यहां से या तो गूगल से लॉगिन कर लीजिए या तो आप फिर इसको ईमेल आईडी और इस करके लॉगिन करिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है एसेंचर की तो आप यहां साइन अप भी कर सकते हैं। तो साइन अप करने के लिए जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको यहां से हर चीज़ आपको फिल करने को मिल जाएगा, आप हर चीज़ भरेंगे उसके बाद में आप यहां से रजिस्टर कर सकते हैं। तो गाइज यही है, तो चलिए गाइज फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।